नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज इस वीडियो में मात्र आपको पांच प्रीपोजिशन का यूज बताएंगे, वो अभी एक पिक्चर की सहायता से, और आपको एकदम इजी बेस पर सबको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यूज ऑफ फ्रॉम, ठीक है, ऐसे फ्रॉम का हिंदी होता है से, और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं से अर्थ में। कब? तो फ्रॉम का प्रयोग से अर्थ में उस समय करेंगे जब कोई व्यक्ति किसी से अलग होता है, मतलब अलगाव के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू आपको बता रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या जी एक व्यक्ति है जो कि रिक्शा से गिर गया है, एक व्यक्ति है जो कि रिक्शा से क्या हुआ गिर गया, तो यहाँ पर से के अर्थ में प्रीपोजिशन लगाएंगे, क्या होगा तो से के अर्थ में क्या होगा फ्रॉम होगा, से के अर्थ में क्या लगाएंगे फ्रॉम। तो फ्रॉम का प्रयोग हम करते हैं क्या जब कोई व्यक्ति कहीं अलग होता है, मतलब जुदाई के अर्थ में हम क्या करेंगे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यहाँ रिक्शा से गिर गया तो क्या करेंगे आप फ्रॉम का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर दूसरा व्यक्ति, यहाँ ट्रेन से एक व्यक्ति गिर गया, तो ट्रेन से अगर व्यक्ति गिर गया तो यहाँ पर से के अर्थ में क्या करेंगे अलगाव हो रहा है, तो अलगाव के अर्थ में प्रीपोजिशन चाहिए, प्रीपोजिशन क्या लेंगे तो प्रीपोजिशन यहां पर फ्रॉम का प्रयोग करें। अब आगे हम लोग आगे आपको बताएं कि यूज ऑफ बिटवीन। देखिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं हम दो व्यक्तियों के बीच, अर्थात बिटवीन का प्रयोग करते हैं के बीच के अर्थ में दो व्यक्ति या वस्तु के लिए। यहां देखिए एक व्यक्ति है जो कि दो व्यक्तियों के बीच में कहीं खड़ा हुआ है, देखिए यह बीच वाला जो व्यक्ति है यहां दो व्यक्तियों के बीच में खड़ा हुआ है, तो यहां पर के बीच के अर्थ में जो प्रीपोजिशन होगा वह बिटवीन होगा, क्या होगा बिटवीन होगा। अब यहां देखिए यहां एक व्यक्ति है दो व्यक्तियों के बीच बैठा हुआ है, दो व्यक्तियों के बीच बैठा हुआ है, तो के बीच के अर्थ में प्रीपोजिशन क्या लगेगा के बीच के अर्थ में प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार बिटवीन का प्रयोग करते हैं के बीच के अर्थ में जब दो व्यक्तियों के बीच कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हो या कोई वस्तु होता हो। आगे देखते हैं यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इन होता है तो ऐसे तो हम इन का प्रयोग करते हैं मे के अर्थ में बड़े गांव या शहर के नाम, इन का प्रयोग मे के अर्थ में बड़े गांव या शहर के नाम के पहले करते हैं। अब यहाँ इन का प्रयोग एक और भी समझिए कि जो इन का प्रयोग करते हैं हम किसी वस्तु को दो भागों में बांटने के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ क्या जी एक यहाँ पर आम है और इस आम को यदि हम दो भागों में बांट दे तब मे के अर्थ में हमको प्रीपोजिशन चाहिए तो क्या लगाएंगे आप इन लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एक मैंगो है एक आम है यहाँ पर और इसको दो भागों में क्या किए डिवाइड कर दिए बांट दिए काट दिए, तो वहां पर मे के अर्थ में प्रीपोजिशन क्या लगेगा इन का प्रयोग करेंगे। तो किसी वस्तु को यदि दो भागों में बांटना हो तो मे के अर्थ में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, जबकि इसके कंट्रेरी होता है, इसका ठीक विपरीत, अगर किसी वस्तु को दो से ज्यादा भागों में बांटना हो। अब यहां देखिए यहाँ एक आम है और इस आम को दो से अधिक भागों में बांटा गया है, जब दो से अधिक भागों में बांटा गया है तो यहां पर प्रीपोजिशन का बात करता है कि कौन सा प्रीपोजिशन होगा। जब किसी वस्तु को दो से अधिक भागों में बांटते हैं तो वहां प्रीपोजिशन हम क्या करते हैं वहां प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर यह आम है इसको दो से अधिक भागों में बांट दिया गया, अब यहां प्रीपोजिशन क्या होगा यहां पर प्रीपोजिशन जो होगा वह होगा इनटू, तो इनटू का प्रयोग करते हैं क्या जी तो किसी वस्तु को दो से अधिक भागों में बांटने के लिए। अब देखिए हम यूज अब करते हैं बिफोर, ऐसे तो बिफोर का हिंदी होता है के पहले। अब यहाँ पर हम बिफोर का मतलब बताएंगे, बिफोर का मतलब के सामने के अर्थ में करते हैं, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में। बिफोर का जो हिंदी होगा यहाँ पर के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने, अर्थात इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, उसी प्रकार बिफोर का मतलब के सामने। अब देखिए यहाँ पर एक कपिल शर्मा शो, यहाँ देखिए यहाँ पर कपिल शर्मा शो में यह है आपके कपिल जी और यहाँ ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन और जो कपिल शर्मा है क्या है दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो जो एक दूसरे के सामने हैं तो यहाँ पर के अर्थ में एक दूसरे के सामने के अर्थ में हमको प्रीपोजिशन चाहिए, तो जो प्रीपोजिशन होगा यहाँ पर बिफोर क्या लगाएंगे बिफोर। जैसे बोल सकते हैं ऋतिक रोशन इज स्टैंडिंग बिफोर द कपिल शर्मा, ऋतिक रोशन इज स्टैंडिंग बिफोर द कपिल शर्मा, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने होता है तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पर बिफोर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर एक दूसरे के ठीक क्या जी सामने है तो के सामने करते हैं प्रीपोजिशन क्या लाएगा यहाँ पर बिफोर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आगे आप प्रीपोजिशन देखने के लिए वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। यूज ऑफ अमोंग, देखिए अमोंग का मतलब होता है के बीच के अर्थ में, कभी अभी आपको बताया कि यूज ऑफ बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग करते हैं के बीच के अर्थ में, जब एक व्यक्ति हो और दो व्यक्तियों के बीच हो या एक वस्तु हो दो व्यक्तियों के बीच हो तब के बीच के अर्थ में प्रीपोजिशन क्या होगा बिटवीन होगा। अब अमोंग का प्रयोग कब करेंगे सर, अमोंग का प्रयोग करते हैं के बीच के अर्थ में
दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर हाल ही फिलहाल में एक लेटेस्ट मूवी, जो लेटेस्ट मूवी है वह है वो आपका पुष्पा। देखिए यहाँ पर जिसमें एक्टर है अल्लू अर्जुन, वह क्या कि यहाँ पर देखिए वह बैठा हुआ है और इसके आसपास चारों तरफ करीब इसके गैंग है। यहाँ के बीच के अर्थ में हमको क्या चाहिए, प्रीपोजिशन चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन होगा वह क्या होगा, एमोंग होगा। जैसे हम बोल सकते हैं अल्लू अर्जुन इज स्टैंडिंग एमोंग द फ्रेंड्स, एमोंग द फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच अल्लू अर्जुन क्या है, बैठा हुआ है। तो के बीच में क्या लगा दे हम प्रीपोजिशन, यहाँ पर लगा दिए एमोंग का। अब देखिए अगला प्रीपोजिशन, यूज ऑफ एंगेस्ट, यूज ऑफ एंगेस्ट। ऐसे एंगेस्ट का हिंदी होता है के खिलाफ, एंगेस्ट का हिंदी क्या होता है, के खिलाफ। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी है, यहाँ पर क्या आपका नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर क्या कुछ पब्लिक है, कुछ यहाँ पर क्या है पब्लिक है जो क्या विरोध किए हैं। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह पब्लिक क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ यदि विरोध कर रहे हैं तो के खिलाफ के अर्थ में प्रीपोजिशन हम क्या लेंगे, एंगेस्ट लेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध क्या करता है जी, आवाज उठाता है, विरोध करता है, तो यहाँ पर के विरोध के अर्थ में हम प्रीपोजिशन क्या लेंगे, एंगेस्ट लेंगे। जैसे देखिए यहाँ नरेंद्र मोदी है और यहाँ पर क्या जी इनके न चाहने वाले कुछ पीपल है जो इनको क्या करते हैं, विरोध कर रहे हैं। तो विरोध के विरोध के अर्थ में प्रीपोजिशन लगाना होगा तो हम क्या लगाएंगे, एंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आगे यूज ऑफ एंगेस्ट का दूसरा प्रयोग, एंगेस्ट का प्रयोग से सटकर के अर्थ में क्या आता है, एंगेस्ट का प्रयोग से सटकर के अर्थ में। अब यहाँ देखिए यहाँ एक लड़का है जो कि दीवार से सटकर खड़ा है, दीवार से सटकर खड़ा है। तो से सटकर के अर्थ में प्रीपोजिशन हमको लेना है, तो से सटकर के अर्थ में प्रीपोजिशन जो यहाँ लगेगा वह लगेगा एंगेस्ट। जैसे अबवा इज स्टैंडिंग एंगेस्ट द वॉल, अबवा इज स्टैंडिंग एंगेस्ट द वॉल, एक लड़का दीवार से सटकर खड़ा है। अब यहाँ देखिए कुछ साइकिल है, कुछ साइकिल है वो क्या है, दीवार से सटकर खड़ी है। तो साइकिल या फिर कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, अगर किसी दूसरे व्यक्ति दूसरे वस्तु में या व्यक्ति में सटकर खड़ा हो तो से सटकर में प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, आप एंगेस्ट का प्रयोग करते। आगे देखिए